नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। केंद्र सरकार ने कहा पाकिस्तान में है दाऊद इब्राहिम। सरकार ने बुधवार को बताया कि 1993 में मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों का मास्टरमाइंड और अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में लगातार अपने ठिकानों को बदल रहा है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में गृह राज्य मंत्री हरिभाई चौधरी ने कहा कि सरकार लगातार दाऊद के बारे में पाकिस्तान को सूचना मुहैया कराने के साथ साथ भारत में उसका प्रत्यर्पण कराने पर जोर दे रही है ताकि उसके खिलाफ मामलों में मुकदमा चल सके। चौधरी ने कहा कि दाऊद के खिलाफ इंटरपोल से जारी रेड कॉर्नर नोटिस को देखते हुए पाकिस्तान के लिए अनिवार्य है कि वह दाऊद को हमें सौंप दे। तमिलनाडु में बारिश से तबाही, सेना ने मोर्चा संभाला। तमिलनाडु में राजधानी चेन्नई तथा अनेक उपनगरीय इलाकों में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश से आई बाढ़ के कारण फंसे हजारों लोगों को निकालने के लिए तीनों सेनाओं के दल बड़े राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। एनडीआरएफ की भी 30 से अधिक टीमों को प्रभावित क्षेत्रों में भेजा गया है। नौसेना ने भी अपनी तीनों टीमें भेजी हैं, जिनमें अधिकारी, नाविक, गोताखोर और नौका शामिल हैं। वायुसेना का एक C-17 विमान और चेतक तथा MI-17 हेलीकॉप्टर राहत बचाव दलों के साथ साथ राहत का सामान भी प्रभावित क्षेत्रों में भेज रहे हैं। वायुसेना के तांबरम हवाई अड्डे पर भी पानी भरने के कारण विमान और हेलीकॉप्टर तिरुपति से उड़ान भर रहे हैं। गौरतलब है कि बाढ़ और बारिश में अब तक करीब 190 लोगों के मरने की खबर है तथा 50 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। रिहा नहीं होंगे राजीव गांधी के हत्यारे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने अहम फैसले में तमिलनाडु सरकार को करारा झटका देते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे रिहा नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जब केंद्र सरकार का कानून या CBI जांच करे तो ऐसे मामलों में माफी देने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास होगा। प्रधान न्यायाधीश HL दत्तू की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने राजीव गांधी हत्याकांड के 7 दोषियों को रिहा करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ सुनवाई के दौरान ये फैसला सुनाया। लाखों भारतीयों का प्रवक्ता हूं, अनुपम खेर ने कहा। बॉलीवुड के जाने माने चरित्र अभिनेता अनुपम खेर का कहना है कि वे लाखों भारतीयों के प्रवक्ता हैं जो मानते हैं कि भारत सर्वश्रेष्ठ है। अनुपम खेर ने अपने प्रशंसकों के साथ ट्विटर पर चैट के दौरान लिखा कि मैं लाखों भारतीयों का प्रवक्ता हूं जो ये मानते हैं कि अपनी कमियों के बावजूद भारत सर्वश्रेष्ठ है। राजनीति में आने संबंधी सवाल के जवाब में अनुपम ने कहा कि मैं एक अभिनेता, शिक्षक और प्रेरक वक्ता के रूप में ही खुश हूं। बगदादी की पूर्व पत्नी दुलेमी लेबनान जेल से रिहा। लेबनान ने सीरिया में अलकायदा से जुड़े आतंकवादी संगठन नुसरा फ्रंट द्वारा बंधक बनाए गए अपने 16 सैनिकों और एक पुलिसकर्मी की रिहाई के बदले में इस्लामिक स्टेट के सरगना अबू बकर अल बगदादी की पूर्व पत्नी साजिया अल दुलेमी और 13 आतंकवादियों को रिहा कर दिया है। नुसरा फ्रंट ने लेबनान के सीमावर्ती असाल शहर में गत वर्ष 2014 में एक हमले में लेबनानी सैनिकों को बंधक बना लिया था। ऐसा कहा जा रहा है कि IS द्वारा बंधक बनाए गए 9 सैनिकों को अभी तक नहीं छोड़ा गया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।